periodic table. What do you mean by periodic table? क्या नाम है चैप्टर का? पीरियोडिक टेबल. बहुत से बुक में देखिएगा इस चैप्टर का एक और नाम दिया हुआ है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. वो भी नाम लिख देते हैं. कोई प्रॉब्लम है? नहीं. क्या प्लीज़ कॉपी नहीं, शुरू नहीं हुआ कि आप लोग कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं ना. चलिए लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड, नहीं मत लिखिए, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. किसी बुक में देखिएगा ये चैप्टर का नाम दिया है, किसी में पीरियोडिक टेबल और द पीरियोडिक टेबल. क्लियर है? व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? आप बोलेंगे हाँ हम लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं. मतलब क्या है? हाउ विल एक्सप्लेन पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल कुछ भी नहीं है. व्हाट इज एक्चुअली पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल is the arrangement of elements with similar properties placed together. ठीक है. एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल का क्या है? पीरियोडिक टेबल कुछ नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है सिमिलर प्रॉपर्टी प्लेस टुगेदर. ठीक है. ये पीरियोडिक टेबल हम लोग आएंगे काफ़ी डिटेल में धीरे धीरे. देखिए हम लोग पहले नीट समझते हैं क्या है. अच्छी बात है, हम लोग को मार्क्स उठाना है, हम लोग को मार्क्स से स्कोर करना है, सब कुछ अच्छी बात है, मगर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब मार्क्स आप बहुत ईजी वे में स्कोर कर पाएंगे. ठीक है. पहली बात, पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट कौन दिए थे? पहली बार पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट आपका जोहान डेबरनेर दिए थे 1800 में. ठीक है. इतना हम लोगों को नहीं जानना है, सिर्फ फर्स्ट टाइम कौन दिए थे. ठीक है. और जनरल नॉलेज हम लोग अगर याद रखते हैं तो अच्छा है. जोहान डेबरनेर इन द ईयर 1800 AD. इन द ईयर 1800 AD ये पहली बार आपको ये कंसेप्ट दिए थे. जोहान डेबरनेर 1800 एडी में पहली बार पीरियोडिक टेबल बना है. ठीक है. उनके पीरियोडिक टेबल में कुछ प्रॉब्लम हुआ. ठीक है. उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए, वो इस पीरियोडिक टेबल को और अपग्रेड करने की कोशिश किए और उसको अच्छे से बनाने की कोशिश किए. ठीक है. उनका वो कौन थे? वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, डी चैन या कैन. ठीक है. वेरी टफ टू प्रोनाउंस, आप लोगों के लिए हो सकता है ईजी हो. ठीक है. डी कैन कॉटेस. ये कब किए? 1863 AD में. ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए. उसके बाद फिर इसको अपडेट कौन किए? उसके बाद जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड, जिनको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से भी पीरियोडिक टेबल जाना जाता है. न्यूलैंड किस ईयर में? 1865 AD. क्लियर. उसके बाद मेंडेलेव आए, जो इस सब मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले का जो एक्यूरेट पीरियोडिक टेबल था वो कौन बनाया हुआ थे? मेंडेलेव बनाए थे. ठीक है. बीच में और भी कुछ आए, लोथर मेयर वगैरह, उतना हम लोग को नहीं जाना. अब हम लोग किसके बारे में आ रहे हैं? मेंडेलेव्स. ठीक है. रशियन साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट मेंडेलेव्स. बहुत लोग एक्सट्रीमली सॉरी EN, बहुत लोग इस तरह स्पेलिंग लिखते हैं, बहुत लोग मेंडेलेव्स. ठीक है. क्लियर है. उसके बाद मेंडेलीव आए. किस ईयर में आए? 1869 AD में एक और पीरियोडिक टेबल को अपग्रेड किए हैं. ठीक है. अब हम लोग आ रहे हैं, हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में सीख रहे हैं. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक टेबल? मेंडेलेव पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट एज सिमिलर प्रॉपर्टी प्लेस टुगेदर. ठीक है. व्हाट इज मेंडेलेव पीरियोडिक टेबल्स? अब हम लोग यहाँ से हम लोगों का सिलेबस शुरू हो रहा है. एक्सट्रीमली सॉरी. मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल क्या बोलते हैं, व्हाट डज इट स्टेट्स? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic weight. करेक्ट, सही बोल रहे हैं, एटमिक वेट्स. क्या बोल रहे हैं, मेंडेलीव का कहना है कि ठीक है अरेंज किया गया एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी में सब कुछ, मगर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटमिक वेट पे डिपेंड करता है. क्या करता है? एटमिक वेट पे डिपेंड करता है. ठीक है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल 1869 में जितना भी अभी जोहान डेबोनेर बनाए थे, चैनकॉर्टिस बनाए थे, न्यूलैंड बनाए थे, उस सब में सबसे बेस्ट मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल माना जाता था. ठीक है, क्या क्या मेरिट था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का? मेरिट्स और मेरिट्स, क्या क्या मेरिट्स है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का? ठीक है, सिंप्लीफाइड and systemized the study of the elements and their compounds. ठीक है, और क्या था? करेक्टिंग द डाउटफुल एटमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स. क्लियर है, ये दो इनका मेरिट था. इज इट ओके? पूछा जाएगा मेरिट, बता दीजिएगा. डी मेरिट क्या था? ठीक है, क्या इनका डी मेरिट था? आइए हम लोग देखते हैं. डी मेरिट के एक और नाम से जाना जाता है डिफेक्ट्स. अब हम लोग डिफेक्ट्स देखने जा रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है बहुत. डिफेक्ट्स और डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. याद रखिएगा, ज़्यादा हम लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन could not be justified. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन मेंडेलीव जस्टिफाई नहीं कर पाए थे. कभी 1A में बोलते थे, कभी 7A में बोलते थे. हम लोगों को कुछ नहीं, एक मार्क्स का आता है, नहीं भी आ सकता है ये सब. ठीक है, बस जिस तरह से बता रहे हैं इसको याद रखिएगा. मेन हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से सब फंडामेंटल शुरू हुआ है. और डिफेक्ट्स क्या था? द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट क्लियर. बहुत डिफेक्ट था. ठीक है, मगर फिर भी अपने डिफेक्ट होने के अलावा भी उस टाइम का सबसे एक्यूरेट पीरियोडिक टेबल था ये. इट हैज़ बीन फाउंड एट some elements with higher atomic mass. Proceeds the element with लोअर एटमिक मास. ठीक है. नंबर 4, द पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स क्या होता है, अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल में सब सीखेंगे. आर नॉट प्रॉपरली Assigned. These are the demerit or defect. कोई पूछता है क्या है defect of Mendeleev periodic table का? Position of hydrogen could not be justified. Position of isotope was not clear. It has been found that some element with higher atomic mass. क्या है, higher atomic mass को पहले लग दिया गया lower atomic mass से. Lanthanides, actinides क्या होता भी नहीं मालूम, मगर लिख देना है position of lanthanides, actinides are not properly assigned. बस ये defect है जो मुझे दिमाग में रखना है. ठीक है, जो हम लोगों के एग्जाम में बस लिख देना. अब हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्चुअल हम लोगों का पीरियोडिक टेबल यहाँ से अब स्टार्ट होने जा रहा है. No. Modern periodic law or modern periodic table. First formed by the great scientist Moseley. In the year 1913. क्लियर है क्या है पीरियोडिक टेबल, क्या पीरियोडिक लॉ या पीरियोडिक टेबल का क्या डेफिनेशन दिया गया है. ठीक है, इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers. Of their atomic number. क्या बोला, physical chemical property आधा periodic function. Periodic function किसको बोलते हैं, जो regular interval पे occur होता है. Is it okay? This is also known as long form periodic table. इसका एक और नाम क्या है, long form periodic table. Is it okay? क्या है, the physical and chemical properties are the periodic function of the atomic number. अब periodic table है तो हम लोगों को क्या क्या समझना होगा, ग्रुप के बारे में जानना होगा. What do you mean by group? क्या स्ट्रक्चर्स क्या होता है periodic table का, ग्रुप एंड पीरियड हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, what is group and what is period. अगर आप एक periodic table देखोगे तो ये क्या है, इस तरह से एक periodic table है. पूरा तो यहाँ पर हम नहीं बना सकते हैं. ठीक है, आप ट्रांजिशन के बुक में देख सकते हैं किस तरह पीरियोडिक टेबल है. ठीक है, आई विल शो यू, जस्ट होल्ड ऑन. ठीक है, इस तरह का पीरियोडिक टेबल होता है. ठीक है, ये क्या डिफाइन करता है, this is actually period and this is actually group. ठीक है, पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, ठीक है, पीरियड इज नथिंग, इट इज अ वर्टिकल, इट इज अ हॉरिजॉन्टल रो इज टर्म्ड एज पीरियड। क्यों? क्योंकि ये पीरियड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, टोटल पीरियड कितना होता है, 7 होता है, 7 है। ये डिफरेंट डिफरेंट पीरियड बता रहा है, मगर ये क्या होगा, ऐसे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, सेम पीरियड, सेम पीरियड, सेम पीरियड, सेम पीरियड, सेम पीरियड। और ये क्या डिफाइन करेगा, ग्रुप 1A, 2A, ठीक है, 3B, व्हाटएवर। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, ग्रुप कर रहा है, मगर सिमिलर ग्रुप कहाँ करता है, यहाँ पे करता है, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग पीरियड का स्टडी करेंगे तो हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट आप लोग क्लास 10 में भी बहुत से बोर्ड के लोग पढ़े होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रॉस द पीरियड। व्हाट डू यू मीन बाय अक्रॉस द पीरियड? अक्रॉस द पीरियड का मतलब क्या होता है, समझने के लिए, सेम पीरियड, डिफरेंट ग्रुप। Now top to bottom, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेम ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, along the group। ये सब वर्ड है जो याद रखना होगा, along the group। along the group का मतलब क्या होता है, सेम ग्रुप, डिफरेंट पीरियड। क्या है, सेम ग्रुप, डिफरेंट पीरियड, इज इट ओके? सेम पीरियड, डिफरेंट ग्रुप, सेम ग्रुप, डिफरेंट पीरियड। यही टॉप टू बॉटम जब भी बात करेंगे इस तरह देखेंगे। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि व्हाट डू मीन बाय ग्रुप एंड पीरियड, डेफिनेशन देने के लिए, आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज पीरियड? पीरियोडिक टेबल को देख के हॉरिजॉन्टल रो इज टर्म्ड एज पीरियड। हॉरिजॉन्टल रो इज टर्म्ड एज पीरियड, हॉरिजॉन्टल रो इज टर्म्ड एज पीरियड। ठीक है, क्या पीरियड है? आप बोलोगे नहीं, कुछ और भी, एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो जो हम अभी लेफ्ट टू राइट में बताएं। और क्या है, द हॉरिजॉन्टल रोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द periodic table are called periods, are called periods, और कुछ नहीं। ठीक है, is it okay? अब हम लोग आते हैं थोड़ा group and periods के बारे में, किस तरह से ये है। ठीक है, first पीरियड में कितना एलिमेंट्स होता है, एक मिनट, दिस इज पीरियड, इस तरह लिखते हैं और आपके लिए आसान होगा। एलिमेंट्स, फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट होता है, 2 एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स। किस तरह होता है वो सब हम फाइंड कर देंगे आपका। फोर्थ 18, फिफ्थ 18, सिक्स्थ 18, सेवेंथ, सॉरी सिक्स्थ 32, सेवेंथ 32, अभी भी इसमें ऐड हो रहा है एलिमेंट। इज इट ओके? ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड को क्या बोला जाता है, एक और नाम दिया गया है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को क्या नाम दिया गया है, शॉर्ट पीरियड्स, क्या बोला गया है? सबसे छोटा पीरियड होता है ये शॉर्ट पीरियड्स। ठीक है, आप बोलोगे सर फोर्थ को क्या नाम दिया गया है? फोर्थ फिफ्थ सिक्स को क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड। फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स को, सेवेंथ को क्या नाम दिया गया है? बोलिए, सेवेंथ पीरियड आपका क्या है? इनकम्प्लीट है। सेवेंथ पीरियड आपका क्या है? इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स इसमें पाया जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, ये क्या है? इनकम्प्लीट पीरियड है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ पीरियड में आएंगे, इसके अंदर काफ़ी कुछ आपको जानना होगा। क्लियर है? पीरियड क्या? हॉरिजॉन्टल रो इज टर्म्ड एज पीरियड। द हॉरिजॉन्टल रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। फर्स्ट में इतना है, सेकंड में इतना है, थर्ड में इतना है। अब सुनिए, आप बोलिएगा सर एक्चुअली में पीरियड क्या? अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, हम आपको एक शॉर्टकट बता रहे हैं जो हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। ऑटर मोस्ट, ये बस अपने ब्रेन में रखने के लिए, आंसर करने के लिए शॉर्टकट। ऑटर मोस्ट ऑर्बिट और टोटल ऑर्बिट, किसी भी एलिमेंट में टोटल ऑर्बिट कीजिए या ऑटरमोस्ट ऑर्बिट देखिए, उसको क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। एकदम सिंपल, टोटल ऑर्बिट या ऑटरमोस्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। आपसे कोई पूछ रहे हैं क्या पीरियड है? डेफिनेशन है सामने में, सब कुछ लिख दीजिए। इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ग्रुप। ग्रुप, व्हाट इज ग्रुप और ग्रुप्स? वर्टिकल columns present in the periodic table starting from top to bottom are called groups or it is also sometimes known as families. कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ग्रुप्स याद रखो। क्या याद रखो? ग्रुप्स। ठीक है, क्या क्या टाइप का ग्रुप होता है आपका? ठीक है, हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, in all there are 18 groups. पर 18 groups का मतलब क्या हो गया? 18 क्या है? वर्टिकल कॉलम, और 7 पीरियड वहाँ पर था, इसका मतलब क्या हो गया? 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ओके, कितना है? 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म का मतलब क्या है? मोस्टली पीरियोडिक टेबल और इट इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द ठीक है, इससे पहले ये किस वे में अरेंज किया गया था? मेंडेलीव किस तरह अरेंज किए थे? ओल्ड वेव्स में, ओल्ड वेज में। ठीक है, वो वे हम लोग पहले भी फॉलो करते थे, मगर 1984 के बाद, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी 1984 के बाद आपका चेंजेस आया। हम लोग देखेंगे अभी, नो नीड टू वरी, बस आप देखते जाओ हम जिस तरह आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इज इट ओके? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं ग्रुप और पीरियड फाइंड करने के लिए। नॉन नेक्स्ट, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? आप बोलोगे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। आप क्या बोलोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या? ऑटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, जो 100% रॉन्ग डेफिनेशन है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन तब है जब एटमिक नंबर 20 तक कंसिडर करते हैं। एटमिक नंबर 20 से ग्रेटर अगर देखिएगा तो ऑटरमोस्ट ऑर्बिट इज नॉट अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम लोगों को क्लास 9 and 10 में क्या पढ़ाया गया था? ऑटरमोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हम लोगों के 9 and 10 के सिलेबस में अप टू एटमिक नंबर 20 था। देखिए, 20 से ग्रेटर नहीं है। अगर आपसे कोई पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब बोलिएगा नंबर ऑफ electrons present in a block. ये ब्लॉक क्या है सीखते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ ब्लॉक इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में हम पीरियड के बारे में आपको क्या बताया था, आउटरमोस्ट ऑर्बिट या टोटल ऑर्बिट को पीरियड बोलते हैं. उसी तरह ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए दिमाग में रखिएगा व्हाट इज ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी ऑर्बिट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या किसी भी एटम्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताता है, उसका ग्रुप बताता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, एक और चीज बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ ब्लॉक. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये अपने आप से बात करने के लिए दिमाग में रखने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ ब्लॉक इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आप बोलोगे ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक. ठीक है, ये ब्लॉक क्या है. ठीक है, ऑन द डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हम लोगों का यहाँ तक. ठीक है, अब हम लोग ब्लॉक में आने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कितने टाइप का ब्लॉक होता है. एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स, पूरा पीरियोडिक टेबल ये चार ब्लॉक में डिवाइड किया गया है. जैसे आप किसी भी लोकेलिटी में जाते हो जो डेवलप्ड लोकेलिटी है, उसमें आप देखोगे वहाँ ब्लॉक सिस्टम से डिवाइड किया गया है. उसी तरह पीरियोडिक टेबल भी क्या है, ब्लॉक में किया गया है. ये क्या होता है ब्लॉक, सीखते हैं पहले. On the basis of electronic configuration, आप बोलोगे सर electronic configuration we have already discussed in atomic structure of a principle. If you have not done atomic structure, you won't be able to understand anything in periodic table. On the basis of electronic configuration, the elements in थोड़ा हम लोग ब्लॉक समझ लेते हैं. ब्लॉक क्या है, आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एस ब्लॉक. ठीक है, पहला दो ये एस ब्लॉक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, पी ब्लॉक है, ये क्या है, डी ब्लॉक है. ये देखिए ये क्या नीचे में क्या दिया है. ठीक है, देख लीजिए क्या है, एफ ब्लॉक है. इज इट ओके. तो ये दो वर्टिकल लाइन क्या है, एस ब्लॉक. देखिए आप लिखा है एस ब्लॉक, बुक में भी देख सकते हैं. ये क्या है, डी ब्लॉक है. ये क्या है, एफ ब्लॉक. ठीक है, और नीचे में ये क्या दिया है, सॉरी दिस इज एस, दिस इज पी, दिस इज डी, और नीचे में आपका ये जो ब्लॉक दिया है ये क्या है, एफ ब्लॉक है. हम लोग इसी को अभी समझेंगे किस तरह से जनरल ट्रेंड्स फॉलो होता है. ठीक है, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का बैकबोन है. अगर आपको ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट के बारे में अगर आपको मालूम है तो आप बहुत सिंपल वे में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दिख रहा है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, उसमें भी सब कुछ दिया है. ठीक है, आपको पिक्चर इसलिए दिखा रहा है कि आपके ब्रेन में एक पिक्चर समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर क्या है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट इन अ थ्योरेटिकल मैनर. थैंक यू. नाउ व्हाट इज ऑन द बेसिस इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियड हैव बीन डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक. व्हाट इज एस ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एस ब्लॉक एलिमेंट. दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द S subshell are called simple. S subshell जानते हैं, S subshell में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो S ब्लॉक है. P subshell में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो P ब्लॉक है. D subshell में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या है, D ब्लॉक है. F subshell में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या है, F ब्लॉक है. We have already learned the electronic configuration in atomic structure. ठीक है, F subshell are called S block एलिमेंट्स. आप बहुत से बुक में देखिएगा लिखा है द एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप वन एंड टू आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट. आप ये भी लिख सकते हैं. ये पूरा इंफॉर्मेशन आप एक जगह एक्यूमुलेट कर लीजिए. द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू group 1 and group 2 is also known as s-block element. The most important part, we have to understand the general electronic configuration of s-block element. ये क्या important role play करेगा देखते हैं हम लोग. This is a very important fundamental, you have to understand. ठीक है, general electronic कॉन्फ़िगरेशन किसका? एस ब्लॉक का. क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट? NS 122 वेयर n is a orbit value start from 1, 2 and end at 7. ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है, एस ब्लॉक का है. अब हम लोग किस में आते हैं? नाउ वी आर कमिंग इन पी ब्लॉक. व्हाट डू यू मीन बाय पी ब्लॉक? पी ब्लॉक में क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स in which last electron enters into the piece of shell are called पी ब्लॉक एलिमेंट्स. क्या है? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करेगा? पी ब्लॉक. ठीक है, पी में हम शो कर देंगे एग्जांपल, नो नीड टू वरी. ठीक है, वो क्या होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट होगा. ठीक है, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप्स 13, 14, 15, 16, 17 and 18. ठीक है, ये पी ब्लॉक है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को सीखना है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है? NS2, NP126, where n is the orbit value, start from 2 and end at 7. ठीक है, देखिए ना, अभी हम लोग फिर से आएंगे सभी चीज़ में एकदम नॉर्मल वे में. ठीक है, नो कॉपी करते जाइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह. डी ब्लॉक एलिमेंट्स. D block is also known as, D block elements are also known as transition element. By definition, the last electrons enter in, this is known as D block. ठीक है, those elements in which last electrons enter into the D subshell are called D block elements. ठीक है, इज इट ओके? ठीक है ना, आप लिख सकते थे एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू the element belongings to 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अभी हम सब आपको डराइव करके शो करेंगे 11 और 12। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या है? NS 1 to 2 और and N-1 D 1 to 10, where N is a orbit value start from 4 and end at 7. ठीक है, थोड़ा सा डी ब्लॉक में हम और बात करें, एकदम बिंदास रहिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या पी ब्लॉक है, क्या एस ब्लॉक है, नो नीड टू वरी, आप बस देखते जाइए। इट्स माई जॉब टू क्लियर एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद भी नहीं समझ में आता पूरा वीडियो करने के बाद मेरे पास आ जाइएगा। ओके, नो डी ब्लॉक को थोड़ा हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। डी ब्लॉक 3 पार्ट में डिवाइड है। एक का नाम है फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको 3D सीरीज भी बोलते हैं। ये कहाँ से है? एटमिक नंबर 21 टू जिंक 30। डी में एक और है जिसको सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सट्रीमली सॉरी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ये किस में आता है? 4D में। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से है? यूट्रियम, एटमिक नंबर 39, वाई। देखिएगा पीरियोडिक टेबल में, ओ नाम नहीं सुने हैं, चलिए लिख देते हैं यूट्रियम। ये सब कुछ याद नहीं रखना, बस देखिए ना अभी। यूट्रियम टू कैडमियम 48। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, 5D सीरीज भी इसको बोलते हैं। ये कहाँ से या स्टार्ट है? लैंथनम से, LA, एटमिक नंबर 57 है। इसका भी नाम नहीं सुने हैं, चलिए नाम लिख देते हैं लैंथनम टू मर्क्यूरी SG, एटमिक नंबर 80। मतलब ट्रांजिशन सीरीज 3 पार्ट में डिवाइड है, जो हम लोगों को ब्रेन में रखना है। इज इट ओके? क्लियर है? अब हम आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड नाउ एफ ब्लॉक। हम लोग पिक्चर भी देख चुके हैं, फोटो, मतलब किस तरह ये डिवीजन है आपका डिफरेंट पार्ट में। नंबर 4 F block elements. F block elements are also known as inner transition elements. ठीक है, F block elements are also known as inner transition elements. What do you mean by inner transition? देखते हैं, आराम से रिलैक्स होके देखिए। ठीक है, वही सेम डेफिनेशन, when last electron enter in those elements, in which last electron enters into the F subshell are called F block elements are called F block elements. ठीक है, अब बोलिएगा ये किस इसमें बिलोंग करता है? एक अपडेशन है सिर्फ, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एक्चुअली में लैंथेनाइड्स लैंथेनडम जो है आपका 57 में, ये 57 के बाद ये डायरेक्ट आता है 57, उसके बाद 72, ठीक है, HF, फिर 72 से 80, क्योंकि 57 और 72 के बीच में जो होता है वो F ब्लॉक एलिमेंट होता है, 57 और 72 के बीच में जो होता है वो F ब्लॉक होता है, इसीलिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज क्या 57 है, फिर 72 से 80 है. इज इट ओके? आइए, those element in which last electron enter in the F subshell are called F block element. No, F block element. These element in which last electron enter in the F subshell are called F block element. ठीक है, याद रखिएगा एकदम अच्छे से, F block को कोई भी ग्रुप नहीं दिया गया है. ठीक है, F block में आपका कुछ भी ग्रुप नहीं है, F को सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. ये जो एलिमेंट के बारे में बता रहे, इस एलिमेंट को दिमाग में रखिएगा, इस एलिमेंट का कोई भी ग्रुप नहीं दिया गया, इसका सिर्फ क्या दिया गया, ब्लॉक दिया गया. क्यों ग्रुप नहीं दिया गया, क्या फंडामेंटल है, सब हम लोग सीखेंगे. पहले देख लेते हैं दीज आर फर्दर क्लासिफाइड. ठीक है, पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इसका लिख लेते हैं. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है, हम लोग को ब्रेन में रखना होगा, याद रखना होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, मगर याद रखिएगा ये कोई भी ग्रुप में नहीं आता है, वो किसी भी ग्रुप में नहीं आता है. क्या है, N-2 F 1 to 14 N-1 D 0 और 1 NS 1 to 2. ठीक है, दिस आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. ये किसी भी ग्रुप में नहीं होता, इसका पीरियड भी नहीं क्लासिफाई किया जाएगा और ग्रुप भी नहीं किया जाएगा. इज इट ओके? ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, F ब्लॉक में. आप बोलिएगा क्या है, आते हैं सीखते हैं हम लोग फर्दर. दीज आर further classified as, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, लैंथेनाइड्स, इसका एक और नाम है 4F सीरीज. ठीक है, दिस इंक्लूड्स elements from cerium, atomic number 58. देख रहे हैं 57 से हम यहाँ से हटाएं आपका, क्योंकि 58 तो यहाँ लैंथेनाइड्स के पास है. सीरियम टू ल्यूटीसियम. हाँ, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम था, आप लोग शुरू से मेरा जानते हैं. ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ये, ठीक है, थैंक यू फॉर कॉपरेटिंग. ठीक है, सीरियम टू ल्यूटीसियम, ठीक है, एटमिक नंबर, इसको लैंथेनाइड्स बोलते हैं. नेक्स्ट और क्या है, एक्टिनाइड्स. इसको पीरियोडिक टेबल में एकदम अलग रखा गया है, अभी हम लोग देख रहे थे. ठीक है, आपको फिर से एक बार फोटो शो कर देते हैं. 5F सीरीज, दिस इंक्लूड एलिमेंट्स फ्रॉम thorium Th 90 to lawrencium. (103). याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, कोई भी ग्रुप के अंदर नहीं आता है. अपने आप से बात करने के लिए यहाँ पर याद रखने के लिए, नो ग्रुप, इसका मतलब ग्रुप किसको मिला है, SP एंड D को. अब फिर से एक बार पिक्चर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। इज इट ओके? देखिए ये नीचे हाइड हो रहा है ना, यहाँ देखते हैं। देखिए ये पूरा क्या है, एस है, ये पूरा क्या है, डी है, ये पूरा क्या है, पी है। इसके ऊपर देखिए सब ग्रुप का नाम लिखा है, ठीक है, मगर एफ में किसी भी ग्रुप का नाम लिखा है नहीं, सिर्फ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा है, एफ ब्लॉक, ठीक है। देखिए एस डी पी, ठीक है, सबके ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दिया है, मगर यहाँ पर कोई ग्रुप है कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड है, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। देखिए लैंथेनाइड्स क्या है, एल ए से स्टार्ट है, हाँ एल ए, जस्ट होल्ड ऑन आई हैव टू चेक वंस, इट इज़ एल ए और लैंथेनम। ओके 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 ओके, ये कहाँ से आपका स्टार्ट है? नहीं इट्स ओके, इट्स फ्रॉम 58, करेक्ट है। ये यहाँ पर ये मैंने गूगल से सर्च किया, कहीं पर गलती है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, ओके यहाँ से, क्लियर है, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। थैंक यू। ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को? एक्सेप्ट नोबेल गैस को, याद रखिएगा, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, एक्सेप्ट नोबेल गैसेस, ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक are known as representative elements, ठीक है। बाकी का मालूम है ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को बोलते हैं, एस और पी को कंबाइंड वे में क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब बहुत से देखिएगा स्कूल में एग्जाम में क्या आ रहा है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, बहुत से स्कूलों में बोलता है प्लीज स्टडी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, एस एंड पी ब्लॉक के बारे में बात हो रहा है। इज इट ओके? नो, Now we are going to start group and period। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे ग्रुप एंड पीरियड को, अब हम लोग उसको चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि S ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, P ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। S ब्लॉक एलिमेंट ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन 1s1 किस में एंटर कर रहा है, S ब्लॉक में, बाद में ग्रुप एंड पीरियड निकालेंगे। S ब्लॉक एलिमेंट है, कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स 1। हीलियम 1s2, ठीक है, ये एक एक्सेप्शंस है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, उसको रहने दीजिए, ये एक एक्सेप्शंस में आता है। हीलियम इज नॉट कम अंडर द एस ब्लॉक, बस एक्सेप्शंस है, याद रखिएगा, क्लियर है। लिथियम 1s2 2s1, एस ब्लॉक का है, हाँ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है या एस सबशेल में एंटर कर रहा है, क्या होगा, एस ब्लॉक होगा। क्या होगा, एस ब्लॉक होगा। कितना इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक में, आप बोलिएगा 3, नहीं 1, कितना है 1, हम बता रहे किस तरह। बेरिलियम 1s2 2s2, कितना इलेक्ट्रॉन है 2, पी ब्लॉक का। सबसे पहला बोरोन 1s2 2s2 2p1, किस में एंटर कर रहा है, पी में एंटर कर रहा है, तो ये क्या होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पी ब्लॉक में, क्या 1, नहीं 3, कैसे अभी चेक करते हैं। कार्बन 1s2 2s2 2p2, कितना इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक है। कैसे ये इलेक्ट्रॉन आप हम लोग कह रहे हैं कि ये 3 है ये 4 है। हम लोग एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना जानते हैं, आते हैं पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक। अभी समझने का चीज़, अभी क्या है नहीं है यहाँ पर, ये पूरा कंसेप्चुअल है, किस तरह क्वेश्चन आएगा वो अभी हम बताएंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक देखिए क्या है NS122 यही है ना, वेर एन स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 1 2 7 एकदम आराम से क्या है S1 है, लिख लीजिए S1। ऑटोमोस्ट ऑर्बिट क्या है 1 है, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन क्या बताएगा कितना इलेक्ट्रॉन है S ब्लॉक में, कितना इलेक्ट्रॉन है S ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन। आप इसको देखते हैं कितना है S1। ऑटोमोस्ट ऑर्बिट क्या है, हमेशा ऑटोमोस्ट ऑर्बिट क्या है 2। सो दिस विल डिफाइन द कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं 2 देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा ये NH2 होगा, मगर n का वैल्यू यहाँ पर क्या है टोटल ऑर्बिट क्या है 2 ऑर्बिट है, टोटल ऑर्बिट 2 बोलिए या आउटरमोस्ट ऑर्बिट 2 बोलिए, तो इस चीज को क्या लिखेंगे 2s2। दिस विल एक्सप्लेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ब्लॉक दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। आप बोलते हैं p क्या है, p का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है देखते हैं। NH2 NP126 N starts from 2। Why? Because P का हमेशा इन्वॉल्वमेंट 2 से होता है, 1 में नहीं होता है। We have already discussed in our principle। ये क्या है P1 है, क्या है P1 लिख लीजिए। ठीक है, किस ऑर्बिट में है सेकेंड ऑर्बिट में है, बट वी हैव टू राइट द होल थिंग 2p1 और इससे पहले क्या है 2s1 भले 2s2 भले ये आपका S भी इसमें इन्वॉल्व है, मगर दिस टोटल इज नोन एज P ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। आप बोलेगा क्यों, ये IUPAC बनाए हैं, ये मॉस्ले का फंडामेंटल है। ठीक है, दिस होल थिंग इज कंसिडर एज दिस। एक और तरीके से आप देख सकते हैं, आई कितना टोटल ऑर्बिट क्या है 2 या आउटरमोस्ट ऑर्बिट क्या है 2, तो क्या होगा मेरा P ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन 2s2 2p1। कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल, कितना इलेक्ट्रॉन है 3 लिख रहे हैं। आप बोलते हो कार्बन 1s2 2s2 2p2 ठीक है 1s2 2s2 2p2 p ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में एंटर कर रहा है तो क्या है p ब्लॉक एलिमेंट है, कंफर्म है। ठीक है, p ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है NH2 NP 126 है, मगर हम लोग को क्या चाहिए 2, मतलब दिस इज द टोटल इलेक्ट्रॉन। कहाँ से खोजेंगे तो यहाँ पर आउटरमोस्ट ऑर्बिट क्या है 2 है, तो ये क्या बन जाएगा 2s2 2p2। कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये मिला के 4। और देखिए नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 क्या होगा NH2, या ऐसे देखिए टोटल ऑर्बिट क्या है 2 है, ये 3 तक स्टॉप करना पड़ रहा है, इसका मतलब 2s2 एंड 2p3 जहाँ पे भी है ये क्या डिफाइन कर रहा है ब्लॉक के बारे में, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ब्लॉक। तो नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5 होगा, इसका मतलब मिनिमम इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में क्या है 3। क्यों 3 है, क्योंकि ये s को कंसिडर करते हुए चलता है। s में क्या है 1 या 2, 3 तो होगा ही नहीं कभी। 1s2 2s2 2p3 कितना इलेक्ट्रॉन है 5, समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन का वन एस टू 2s2 2p4 ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, निकाल लीजिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन का निकालना है क्या है p4, क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4। टोटल ऑर्बिट कितना है यहाँ पे, टोटल ऑर्बिट मतलब फर्स्ट और सेकंड मिला के टोटल 2 या आउटरमोस्ट ऑर्बिट कितना है 2। इसको प्लेस कर लीजिए, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आपका एक्सट्रैक्ट होगा वो क्या होगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 कितना इलेक्ट्रॉन होगा 7। नियॉन 1s2 2s2 2p6 कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आ रहा समझ में? अभी और डिटेल में देखेंगे। नो डी ब्लॉक, ये हम क्यों आपको बता रहे हैं? ये बहुत ईजी हो जाएगा ग्रुप फाइंड करना, ठीक है। बहुत से लोगों को देखिएगा और भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं बहुत से बुक में, मगर दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड विच इज यूज बाय एनसीईआरटी आल्सो। डी ब्लॉक का कॉन्फिगरेशन क्या है? NS 1 to 2 N minus 1 D 1 to 10, where N starts from 4, 5, 6, 7, ठीक है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं डी ब्लॉक का, स्कैंडियम एटमिक नंबर 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d 1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? डी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, तो ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। एज सिंपल एज दैट। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है, ठीक है। आप बोलिएगा सर डी ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। नहीं, 1 नहीं है। देखिए किस तरह से इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS 1 to 2 लिखा है, एक्चुअली में NS 2 N minus 1, ये D क्या है? 1 है, ठीक है। अब आइए, हाईएस्ट ऑर्बिट वैल्यू यहाँ पर क्या है? 4 है, या टोटल ऑर्बिट क्या है? 4 है। N को रिप्लेस करके क्या कर लेते हैं? यहाँ पे 4 प्लेस कर लेते हैं। क्या हो गया? 4s2 3d1। दिस टोटल इलेक्ट्रॉन मेक द ब्लॉक ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब स्कैंडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? डी ब्लॉक में स्कैंडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज कंफर्म, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डी ब्लॉक इज 3 इलेक्ट्रॉन। व्हाई इट इज 3? इट लुक लाइक 1, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। एक्चुअल कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक इज NS 2 N minus 1 D 1। ये क्या है? 1 है आपका, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए। नो व्हाट वी हैव डन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। और भी थोड़ा एलिमेंट देखते हैं पी ब्लॉक का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, किस में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है? एस ऑर्बिटल में, सो इट इज नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? S block element. How many electrons are there in S block? 1 electron. इसमें कितना है? 2 electrons. No, aluminium. Atomic number 13. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Last electron enter in P subshell, so it is known as पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या है ये? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी में कितना एंटर कर रहा है? आप बोलिएगा 1 इलेक्ट्रॉन। नहीं, प्रीवियस कंसेप्ट से देखिए पी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ पी? NS2। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, हम रिपीट कर रहे हैं बार बार। NP 1 to 6 होता है, यहाँ क्या है? 1 है। आउटरमोस्ट ऑर्बिट क्या है? 3, यहाँ पर लिखिए 3s2 3p1। नो सर्च फॉर 3s2 3p1 हो गया, ये है। मतलब ये टोटल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन। आप बोलिएगा नहीं पी में तो 1 है। आई अंडरस्टूड, पी ऑर्बिटल में, पी सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मगर पी ब्लॉक का कॉन्फिगरेशन क्या है? ये है जो फॉलो करता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे? 3 है। इज इट ओके? नो। सिलिकन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2, again the p block element. फोर इलेक्ट्रॉन, देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5 sorry 3p 3, p block element, 5 इलेक्ट्रॉन्स। फॉस्फोरस के बाद सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। पी ब्लॉक कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। सेवन इलेक्ट्रॉन्स। थ्री पी सिक्स। इज इट ओके? क्या होगा 3p6 में? किससे बिलोंग करता है? किससे बिलोंग करता है? किससे? किसी भी ब्लॉक से नहीं, क्योंकि ये नोबेल गैस का ये है। आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो नोबेल गैस किसी भी ब्लॉक में नहीं रखा गया है, नोबेल गैस को अलग इसमें रखा गया है। बहुत लोग बोलते हैं नहीं इट्स इन पी ब्लॉक, बट एक्चुअली में अगर आप चेक करोगे तो पीरियोडिक टेबल अगर देखोगे तो ये किस में है, इसका अलग कैटेगरी है। नोबेल गैस, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड नोबेल गैस। ठीक है। मगर बहुत लोग फिर भी बोलते हैं कि ये पी ब्लॉक में है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक पीरियोडिक टेबल मेरे पास है, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, यहाँ नोबेल गैस लिखे, यहाँ पूरा का पी बोल रहे हैं, ठीक है। सो लेटेस्ट IUPAC नेम में नोबेल गैस पी ब्लॉक में नहीं है, मगर अभी भी हम लोग इंडियन बुक को पढ़ रहे हैं। इंडियन राइटर लोग और इंडियन बोर्ड्स अभी भी इनर्ट गैस को किस में मानते हैं? पी ब्लॉक में। सो वी शुड ऑल्सो राइट इन पी ब्लॉक। मगर इन फ्यूचर के लिए मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कि याद रखिएगा, नोबेल गैस अब हट चुका है पी ब्लॉक से, मगर अभी एग्जाम में लिखने के लिए नोबेल गैस किस में है? पी ब्लॉक में है। इज इट ओके? थैंक यू। आर्गन के बाद पोटेशियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Okay, last electron enter in s orbital, so it is known as s block element. Are you getting my point? s कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद कैल्शियम 1s2। आप इस तरह नहीं लिख के, आप देखिएगा बहुत से बुक में इस तरह लिखा है आर्गन, मतलब यहाँ तक क्या है आर्गन का कॉन्फिगरेशन, और उसके बाद क्या है 4s2, क्या हो जाएगा s block element। इज इट ओके? क्लियर है? ठीक है ना। आर्गन 4s2 क्या है? s ब्लॉक एलिमेंट। कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए पॉज करके। 9 डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है? देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा। डी ब्लॉक सबसे पहला एलिमेंट स्कैंडियम, एटमिक नंबर 21, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अच्छी बात है। सबसे पहले हम लोग ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट है ये। कितना इलेक्ट्रॉन है डी ब्लॉक में? आप बोलेगा 1, हम बोलेंगे नहीं, पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेक कर लीजिए डी ब्लॉक का क्या है। क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? देख लीजिए NH2 N-1 D1 है ये, ठीक है। टोटल ऑर्बिट का वैल्यू कितना है? हाईएस्ट 4। अब बोलेगा नहीं 3 है, नहीं, एनर्जी लेवल ओवर प्रिंसिपल के वे से हम लोग इसको लिख रहे हैं, मगर टोटल ऑर्बिट क्या है? 4th है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। भले फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन के बाद थर्ड में फिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर N का वैल्यू क्या है? 4। अब इसको प्लेस करते हैं हम लोग। 4s2, 4-1 क्या होता है? 3d1, मतलब ये पूरा आपका इलेक्ट्रॉन क्या बताएगा? डी ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना इलेक्ट्रॉन से शुरू होता है डी ब्लॉक में? 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन से शुरू होता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट ओके? कितने इलेक्ट्रॉन से शुरू होता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स। और गेटिंग माई पॉइंट? किस तरह से फाइंड करना है आपको? बस डी में 1 देखने से नहीं होगा, ठीक है। आपको समझना होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो मॉसले हम लोग को देखे गए हैं उसको फॉलो करना होगा। 9 स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2, ये भी क्या होगा डी ब्लॉक एलिमेंट। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा कॉन्फिगरेशन के थ्रू हम लोग चेक कर चुके हैं जनरल कि इस दो का इलेक्ट्रॉन को डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन माना जाएगा, कितना है 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। वेनेडियम यहाँ तक हम आर्गन लिख दें, आप एग्जाम में मत लिखिएगा, ये सिर्फ हम थोड़ा इंक सेव कर रहे हैं, ठीक है। 4s2 3d3 कितना इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन। Now chromium, we know the chromium has an exceptional configuration, so we should write like this: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में गया D में। We have already understood this thing in atomic structure। कितना इलेक्ट्रॉन आप बोलेगा नहीं ये 4s2 3d4 होता तो 6 होता है, ऐसे भी देखिए समेशन क्या है 6 है, ठीक है। आप देख सकते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हम लोग क्या ये किए थे डी ब्लॉक का। देखिए NS1 और 2 क्योंकि मुझे मालूम है क्रोमियम एवं कॉपर में हो सकता है क्या है 1, बाकी सब में 2 है। ये देखिए दिस NS1 to 2 N-1d 1 to 6, बल्कि P ब्लॉक में देखिए NS2 है, कभी भी 1 to 2 नहीं है क्योंकि यहाँ तो हमेशा NS2 होगा NP 1 to 6। उसी तरह जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन व्हाट वी नो अबाउट S NS1 to 2। Is it okay? Any problem regarding this? अब आप देखते जाइए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, टोटल इलेक्ट्रॉन इज 6, 4s1 3d 5, 4s1 3d 5 9 आप, ठीक है ना। देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखना है, आप देख सकते हैं NS1 to 2 N-1d 1 to 10, ओके। ये क्या है हाईएस्ट ऑर्बिट वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। 4s 1 और 2 में से क्या वहाँ लिखा है 1, ये क्या होगा N-1 मतलब 3d क्या लिखा है 5, मतलब ये जो पूरा है ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में पास कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी ब्लॉक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ब्लॉक। इज इट ओके? क्रोमियम के बाद क्या है आपका मैंगनीज, क्रोमियम के बाद क्या है मैंगनीज। व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ मैंगनीज, यू कैन राइट लाइक दिस आर्गन, ठीक है। आप बोलते हो नहीं, ठीक है आप पूरा लिखो, एग्जाम में तो पूरा लिखना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 5 किससे बिलोंग करता है, ऑब्वियसली लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट। कितना इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंगनीज के बाद क्या है आयरन 4s2 3d 6 डी ब्लॉक एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन्स। आयरन के बाद क्या है कोबाल्ट 4s 3d 7 9 इलेक्ट्रॉन्स। निकेल 10 इलेक्ट्रॉन्स। निकेल के बाद कॉपर एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन याद है ना क्रोमियम एंड कॉपर का 4s1 3d10 11 इलेक्ट्रॉन्स। जिंक 4s2 3d 10 टी ब्लॉक एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन है 12 electrons. So this is the फंडामेंटल ऑफ डी ब्लॉक. आप सोच रहे होंगे डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन सर क्यों समझा रहे हैं, एस ब्लॉक का क्यों समझा रहे हैं, पी ब्लॉक का क्यों समझा रहे हैं. हाँ, सिलेबस में है, मगर इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस है. हम लोग ईजी वे में ग्रुप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन अ वेरी ईजी मैनर. इज इट ओके? कॉपी इट. दीज आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट, दीज आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 59, 60, 61, 62. सॉरी 62. हम फिर से रिपीट कर रहे हैं आपको. दोज आर इन क्लास 11, ये सब आपका नहीं आता है 11 में. ठीक है, मगर फिर भी बहुत से स्कूल में ऐसे होते हैं जो एफ ब्लॉक से किसी भी एलिमेंट का बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने. सो वी शुड बी रेडी फॉर ऑल दिस थिंग. जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़े, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव में ज़रूरत पड़ेगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. ठीक है, देखिए किसी भी इस चीज़ को समझने के लिए ना सबसे पहले आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको मालूम ऑवर प्रिंसिपल के थ्रू क्या आप पढ़े हैं, उसको आप हमेशा याद रखिए. ठीक है, क्या है, अगर आप जनरली देखिएगा तो हम लोगों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक जाता है. इसी तरह एनर्जी लेवल में 1s, इसको हमेशा याद रखिए. 2s आप बोलते नहीं हम याद नहीं रखेंगे, ऑवर प्रिंसिपल के थ्रू क्रॉस करके चेक कर लीजिए. 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p. मुझे याद है क्योंकि आई एम टीचिंग फ्रॉम सो लॉन्ग, मगर आप भी इसको याद कर सकते हैं या फिर ओवर प्रिंसिपल के थ्रू क्रॉस करके देखिएगा. थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा. आपको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये सब क्या है. एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज में आप ऑलरेडी देख लीजिएगा. ठीक है, इज इट ओके? किस में आता है ये, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स में. ठीक है, देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. 1s2 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए 59 तक. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 3d10. कितना हुआ, 30 हुआ ना. 4p6, 36, 5s2, 38, 5s2, 4d10. काउंट कीजिए तो कितना आ रहा है, 38, 48, 5p6, 54, 6s2, 54 एंड 2, 56, 4f, 56 एंड 3, 4f3. किस में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है. आप इससे पहले भी बना सकते हैं, ब्लॉक देख सकते हैं. मैं आपको एक सिंपल 4 एग्जाम्पल दिखा रहा है जो बहुत फ्रिक्वेंटली आता है. ठीक है, किससे बिलोंग कर रहा है, एफ ब्लॉक से. आप बोलिएगा सर कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एफ ब्लॉक में, क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक का. ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक का क्या है, आप चेक कर लो. आई हैव नॉट टॉट यू द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक. कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी लिख लेते हैं एक बार. एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अभी लिख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, वहाँ पर मैंने नहीं पढ़ा है, यहाँ पर आप देख लो. ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. हम फिर बोल रहे हैं एफ ब्लॉक हम लोगों का नहीं आता है बोर्ड 11 में, फिर भी देख लो. 1 to 14, n-1 d, 0 और 1, ns 2. ठीक है, आइए आप हाईएस्ट ऑर्बिट वैल्यू क्या है खोजिए पहले. 6, इसका मतलब यहाँ n का वैल्यू क्या है, 6 है. आइए हम लोग इस जगह अच्छे से समझते हैं. n का वैल्यू क्या है, 6 है. यहाँ पर आप प्लेस कर लो. 6 - 2, f 1 to 14 है. f यहाँ क्या है, 3 है. n - 1 मतलब 6 - 1 मतलब 5. 5d खोजो, 5d कहाँ है, 5d कहाँ है, 5d आई नहीं है, यहाँ पे आगे में है. इसका मतलब यहाँ पर 5d क्या है, 0 है. अभी आप ये क्या हो जाएगा, 6s यूज़ हो रहा है, हाँ यूज़ हो रहा है, 2 है. इसका मतलब 4f3 एंड 6s2 इज एक्चुअल द टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एफ ब्लॉक. टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एफ ब्लॉक. ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट क्या है, F ब्लॉक का है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 5 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट ओके, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ND। यहां तक प्लीज जिंक लिख दें, 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4p4 क्या है, F ब्लॉक है, कितना इलेक्ट्रॉन्स है 6, ठीक है। प्रोमीथियम जिंक 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4p5 F ब्लॉक, चेक कर लो आप। सेमेरियम ये जिंक है। अरे गेटिंग माई पॉइंट, F ब्लॉक पे ज़्यादा उतना एफर्ट नहीं देना है, मगर फिर भी मैंने आपको शो कर दिया, वो देख लोगे आप। इज इट ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए आप। थैंक यू। Now you'll find group and period, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ग्रुप एंड पीरियड। व्हाट इज ग्रुप, अपने आप को समझाने के लिए बस दिमाग में रखिएगा, बाकी डेफिनेशन क्या है नहीं हम सब आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। व्हाट इज ग्रुप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ block. There are few exceptions which will come right now. What is period? Total orbit or outer orbit of an atom. Of an एटम, क्लियर एकदम। चलिए एक एक करके हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले ग्रुप एंड, सबसे पहले एटमिक नंबर 1। फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार सीख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर ग्रुप डिफाइन करेंगे और यहाँ पे पीरियड डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्या ग्रुप है, S ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, ग्रुप 1। टोटल ऑर्बिट कितना है 1। आपको ग्रुप ब्लॉक इलेक्ट्रॉन अच्छे से समझ में आना चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। हीलियम 1s2, ठीक है। हीलियम इज अ इनर्ट गैस, सो याद रखिएगा इट्स बिलोंग टू ग्रुप 18 और 0, इसके बारे में कोई कंसेप्ट नहीं, इट्स कम अंडर द एक्सेप्शंस। 18 पीरियड, ठीक है 1। लिथियम 1s2 2s1 कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, किस ब्लॉक से बिलोंग करता है S ब्लॉक से, 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल ऑर्बिट कितना है 2 है, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना है 2 है, पीरियड 2। बेरिलियम 1s2 2s2 S ब्लॉक है, कितना इलेक्ट्रॉन है ब्लॉक में 2, पीरियड क्या है 2। फाइव 1s2 2s2 2p1 कितना इलेक्ट्रॉन है, p ब्लॉक का है, कितना इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। किस ऑर्बिट से है, सेकेंड ऑर्बिट है। टोटल ऑर्बिट क्या है फर्स्ट, ये तो सबशेल है, टोटल ऑर्बिट क्या है 2, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है 2, क्लियर एकदम। बोरोन के बाद कार्बन, क्या है p ब्लॉक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 4, ठीक है। ग्रुप क्या है 4, पीरियड क्या है 2। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 p ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, ग्रुप क्या है 5, पीरियड क्या है 2। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p 4 कितना इलेक्ट्रॉन है 6, पीरियड कितना है 2। यस नो। ऑक्सीजन का क्या है 1s2 2s2 2p4 कितना है 6, पीरियड कितना है 2। नो। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 7 2। वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स ग्रुप क्या होगा इनर्ट गैस है, सिंपल ग्रुप 18 और 0, पीरियड 2। एकदम क्लियर है, ठीक है। मगर यहां पे एक एक्सेप्शंस होगा जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। दैट इज ओनली अकर इन पी ब्लॉक, ओनली अकर इन पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 1, एस ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 1, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 2, पी ब्लॉक में 3 इलेक्ट्रॉन से शुरू होता है, मगर इसका ग्रुप कभी भी 3 नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग। इसका ग्रुप क्या होगा 10 ऐड कर दीजिएगा 13। दिस इज द मॉस्ले फंडामेंटल, इसको याद रखना होगा। ये 10 ऐड कीजिएगा, क्या होगा ग्रुप 14 से पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसमें कितना ऐड होगा 10 ऐड होगा 15, ठीक है। 10 ऐड होगा कितना होगा 16, 10 ऐड होगा कितना होगा 17। इज इट ओके, क्लियर है। 13 14 15 16 17 आ रहा समझ में, सिर्फ पी ब्लॉक में, ठीक है। बाकी सब में जो भी टोटल इलेक्ट्रॉन होगा वही ग्रुप होगा, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। एस ब्लॉक में जितना इलेक्ट्रॉन है ग्रुप होगा, जितना डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन है ग्रुप होगा, फर्दर एफ ब्लॉक ग्रुप होगा, एस ब्लॉक ग्रुप होगा, पी ब्लॉक जितना इलेक्ट्रॉन है 10 ऐड करना होगा ग्रुप फाइंड करने के लिए। आप याद कीजिए ना क्लास 9 और 10 हम लोगों का क्या था, ग्रुप 1 था, 2 था, उसके बाद 3 था, नहीं 13 था, 14 था, 15 था, 16 था, 17 था। इज इट ओके, ठीक है। किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, यहां पर बगल में एक कॉलम बना लेते हैं ब्लॉक के लिए भी, ठीक है। ये क्या है एस ब्लॉक, ठीक है। इनर्ट गैस को अभी किस में रखा गया है, पी ब्लॉक होना चाहिए। इनर्ट गैस का ब्लॉक अभी ब्लैंक रखिए। ये क्या है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। इनर्ट गैस को ब्लैंक रखिए। ऐसे इनर्ट गैस को रखा किसमें किया गया है पी ब्लॉक में। एक्सेप्शन है 9 मोर एलिमेंट। हम लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये करके चेक करेंगे, ठीक है। इट इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। 9 नेक्स्ट सोडियम 1s2 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, 2s2 थोड़ा लिखना होगा, डोंट बी लेजी प्लीज लिखिएगा, 3s1, ठीक है। ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक। किस ग्रुप से बिलोंग करेगा आपका 1, पीरियड क्या होगा टोटल ऑर्बिट 3, ब्लॉक क्या होगा s। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 ग्रुप 2, ठीक है। यहां पे हीलियम के लिए से भी एक्सेप्शंस था, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले से इनर्ट गैस है, क्यों वहां पर कोई कंसेप्ट लगाएंगे जब मालूम है कि वो इनर्ट गैस है। पीरियड क्या होगा 3, ब्लॉक क्या है s। एल्यूमिनियम एटमिक नंबर 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 क्या ग्रुप होगा, p ब्लॉक का है। मालूम है कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इन अ ब्लॉक कितना है 3 है, ग्रुप क्या होगा 3। आप बोलिएगा नहीं सर p ब्लॉक है, 3 + 10 ऐड करना होगा, क्या होगा 13, पीरियड रिमेन सेम 3 एंड ब्लॉक क्या है p। सिलिकॉन, यहां तक का आर्गन लिख दें क्योंकि ये तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, बुक में भी लिखा है, आप एग्जाम में मत लिखोगे, हम सिर्फ स्पेस के लिए लिख रहे हैं। क्या हो जाएगा 3s2 3p2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है, पी ब्लॉक में कितना है 4 है, मगर ग्रुप क्या होगा 4 + 10 14, पीरियड 3, पी ब्लॉक। थ्री एस टू 3p 3 5 + 10 15 3 P। फॉस्फोरस के बाद सल्फर, सिक्सटीन 3 P। क्लोरीन 17 3 P। आर्गन 's an inert gas, so ब्रेन नहीं लगाना है। ऐसे भी देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है आपका 8 + 10 18, मगर इसको याद रखिएगा 18 और 0। पीरियड 3 पी ब्लॉक। आर्गन के बाद दिस वोंट बी आर्गन, दिस विल बी नियॉन। एक्सट्रीमली सॉरी, आई मस्ट से सॉरी फॉर दिस। ठीक है, ये क्या था? नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन था। एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, माफ़ कर दीजिए। क्या ये नियॉन, ये भी क्या होगा नियॉन, ये भी क्या होगा नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन 10 तक होता है ना। ओह कोई बात नहीं, थोड़ा बेवकूफ़ हम हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, सॉरी नियॉन। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या 1:2:2 P6, इसलिए हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख के बुक की तरह क्या लिख दिए हैं नियॉन लिख दिए हैं। ठीक है, पोटेशियम चलिए पूरा ही लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। एस ब्लॉक, इलेक्ट्रॉन 1 4। ठीक है, टोटल ऑर्बिट 4 है ना। कैल्शियम, टू 4 S। ठीक है, डी ब्लॉक का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, अभी मालूम है ऑलरेडी, और ग्रुप एंड पीरियड उससे फाइंड करेंगे। चलिए कॉपी कर लीजिए। एक चीज़ और याद रखिएगा, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, S and P block elements are also known as representative elements। क्या बोलते हैं उसको? Except इनर्ट गैसेस, क्योंकि हम क्या बोले इनर्ट गैसेस भी पी में आ जाता है, मगर इनर्ट गैस को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में नहीं लेते। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। देखिएगा बहुत से स्कूल में होगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एग्जाम में आ रहा है, मतलब एस एंड पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसका रिएक्शंस, या बहुत बुक में देखिएगा लिखा है एस एंड पी ब्लॉक। इज इट ओके? कॉपी कर लीजिए पॉज करके। थैंक यू। एटमिक नंबर 21 स्कैंडियम। क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ग्रुप पीरियड ब्लॉक। ठीक है, क्लियर एकदम। कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप क्या होगा 3। टोटल ऑर्बिट कितना है 4। अब बोलेगा नहीं 3 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है 4 है, तो पीरियड क्या होगा 4। किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? डी से। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2। क्या ग्रुप है 4, क्योंकि डी ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है 4। अगर यही पी में होता तो क्या ऐड करते? 10 ऐड करते, ठीक है ना। ग्रुप के लिए पीरियड कितना होगा 4, ठीक है। ब्लॉक क्या होगा डी। आपको कभी भी कोई भी एग्जाम में नहीं बोलेगा हाउ यू विल फाइंड अ ग्रुप एंड पीरियड एंड ब्लॉक, दे विल जस्ट से यू राइट अ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक, ठीक है। वैनेडियम, कितना होगा 5, देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 5, टोटल ऑर्बिट कितना है 4, डी ब्लॉक। क्रोमियम कम अंडर द एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम एटमिक स्ट्रक्चर, टोटल इलेक्ट्रॉन 6, फोर डी, ये तो कांस्टेंट चल रहा है पीरियड एंड ब्लॉक। ठीक है। आयरन के बाद क्या है, हाँ गुड, कोबाल्ट। कोई निकल बोल रहा है क्या, रॉन्ग है कोबाल्ट। Clear है? Is it okay? This is the group and period. देखिए हम लोगों का पूरा फाइंड हो गया है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए पहले इसको। नो अभी भी बहुत से स्कूल में ग्रुप एंड पीरियड ओल्ड मेथड से भी पूछा जाता है। ओल्ड मेथड मतलब जो मेंडेलीव जो मेथड बताए थे, ठीक है। सीख लीजिए तो बेटर है, क्योंकि स्कूल का अगर आ गया तो आप बोलिएगा कि सर पढ़ाई नहीं है, ठीक है। ओल्ड मेथड, ओल्ड मेथड में क्या है, ठीक है सुन लीजिए पहले अच्छे से समझिए। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये मेंडेलीव का दिया हुआ है, कम अंडर द सब ग्रुप ए, सिर्फ देखते जाइए। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कम अंडर द सब ग्रुप बी, किस में आता है सब ग्रुप बी। थोड़ा देख लेते हैं, आइए। व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, वी हैव फर्स्ट कम टू दिस फंडामेंटल, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, इसको क्या बोलेंगे 1, रोमन में 1 है, ये तो 0 है, इसको रहने दीजिए। वन इलेक्ट्रॉन ब्लॉक में है, 1a, why a? बिकॉज s ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या होगा 2a बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन, या आप बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ऑस्टरमोस्ट ऑर्बिट। यहाँ पे पी ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, 10 ऐड करके 13 क्यों लिख रहे, मॉस्टली लिख रहे, ओल्ड में क्या होगा 3 होगा। पी ब्लॉक का क्या किस में आता है, सब ग्रुप ए में। टोटल इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में 4, क्या होगा 4 सब ब्लॉक ए, वाई बिकॉज पी ब्लॉक एलिमेंट है। यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में 5a 6a 7a, ये तो ऑब्वियसली 0 है, इसको आप छोड़ दीजिए। क्लियर है? ओल्ड मेथड हम लोगों के सिलेबस से हट चुका, बट वी हैव टू अगेन डू, बिकॉज अभी भी स्कूल में आता है। कितना इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में, 1 इलेक्ट्रॉन है, एस ब्लॉक का है, ठीक है। क्या होगा ब्लॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन रोमन में, एंड एस ब्लॉक से इसलिए क्या होगा ए। एस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है 2। आप बोल सकते हो सर हीलियम में भी 2 था। हीलियम इज इटसेल्फ अ इनर्ट गैस, हम लोग क्लास 8-9 से जानते हैं, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। कितना इलेक्ट्रॉन है इस ब्लॉक में 2, क्या होगा 2a। पी ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, क्या होगा 3a। पी ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, क्या होगा 4a। पी ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, क्या होगा 5a। पी ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, क्या होगा 6a। पी ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, कितना होगा 7a। ठीक है, ये क्या है इनर्ट गैस है, ये 0 होगा। फिर एस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, क्या होगा 1a। एस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, क्या होगा 2a। सब ग्रुप a कम्स फॉर द s एंड p ब्लॉक, एंड सब ग्रुप b कम फॉर द d एंड f ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट कितना इलेक्ट्रॉन है 3, ग्रुप 3, ओल्ड में क्या होगा 3। डी ब्लॉक का तो क्या होगा 3b, ये क्या होगा 4b। डी ब्लॉक में 4 इलेक्ट्रॉन है, देखिए डी ब्लॉक में 5 इलेक्ट्रॉन है, डी ब्लॉक है तो क्या होगा 5b। डी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा 6b। डी ब्लॉक में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा 7b। डी ब्लॉक में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा 8। 9 इलेक्ट्रॉन के लिए भी डी ब्लॉक क्या होगा 8, ये याद रखना होगा, ये मेंडेलीव का किया हुआ है। डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा तो क्या होगा 8। डी ब्लॉक में 11 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे 1b, एंड 12 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे 2b। आपको 30 तक तो बस याद रखना है, अभी ओल्ड 30 के बाहर आएगा भी नहीं, 30 के बाहर जो आएगा सब न्यू आएगा। ठीक है, ये आप दिमाग से हटा दीजिए। 11 जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा डी ब्लॉक में क्या बोला जाएगा 1b। जब भी 12 इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में आएगा क्या बोलेंगे 2b। इज इट ओके? आ रहा समझ में? आप बोलते नहीं हम भूल जाएंगे। आपको न्यू वे समझ में आया जो मॉस्ले बताएं अभी, जो उतने देर से हम ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। तो ओल्ड हम आपको एक और टेक्निक बताते हैं, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। 9 ठीक है, ओल्ड एंड न्यू मेथड में आ रहे हैं। वन ए, 2a, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8। Eight. 1b, 2b, 3a, 4a, 5a, 5a, 6a, 7a, 0। ठीक है, अब हम लोग किस में आते हैं, न्यू में आते हैं। क्या है न्यू तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड किया। 1a को क्या बोलते हैं 1, 2a को क्या बोलते हैं 2, 3b को क्या बोलते हैं 3, याद है ना डी ब्लॉक। 4, 5, 6, 7, 8 के अंदर क्या आ रहा था 8, 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये क्या है 18। आप न्यू निकाल के ओल्ड में प्लेस कर सकते हो, आप ओल्ड को याद कर लो सिर्फ 1, 2, 3, 4, 1, 8, 2a, ठीक है याद है। 3a क्या होता था 13 होता था, क्लास 8, 9 में भी देखे, आप बोलते नहीं भूल गए छोड़ दीजिए, ये याद रखिए बस, ठीक है। ये हम लोग एट लास्ट ग्रुप एंड पीरियड कंप्लीट हो गया फंडामेंटल, ठीक है कॉपी कर लीजिए इसको। नो पीरियोडिक प्रॉपर्टी से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट थिंग है छोटा छोटा, उसको हम लोग सीख लेते हैं। एलिमेंट्स belonging to the same group are said to constitute a family, ठीक है। देखते हैं क्या है ये, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, मगर फिर भी एक बार देख लेते हैं। एल्केली मेटल, किसको बोलते हैं ग्रुप 1, या ओल्ड वे में क्या है 1 है, याद रखिएगा आपसे। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं एल्केली मेटल। आप बोलते हैं सर आता है, ओके कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एल्कलाइन अर्थ मेटल गोल्ड ग्रुप 2a और 2, ठीक है। ग्रुप 2 और 2a, coinage metals, और 1b निकोजेंस ग्रुप 15 और 5 है। ये सब याद रखना होगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। चाल्कोजेंस ग्रुप 16 और 6 है। हैलोजेंस ठीक है, नोबेल गैसेस हाँ ग्रुप 0 है ना, और इनर्ट गैसेस बोलिए रेयर गैसेस और एरोजेंस। एक और नाम क्या है याद रखिएगा ये सब। ये क्या है ग्रुप मॉडर्न वे में 18, ओल्ड वे में 0। तो अल्कली मेटल किसको बोलते हैं ग्रुप 1a को अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 या 2a, क्वाइनेज मेटल ग्रुप 11 और 1b। क्वाइनेज मेटल 11 किस में आता है देखिए कॉपर में, सब क्या कॉइन बनता है। निकोजेन ग्रुप 15, चाल्कोजेन ग्रुप 16, हैलोजेन ग्रुप 17, ठीक है। हैलोजेन एक ऐसा ग्रुप है जहां ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स होता है, सॉलिड लिक्विड क्लास 10 में हम लोग पढ़े, एंड गैस। हैलोजन ग्रुप में सभी टाइप का एलिमेंट फाइंड किया जाता है और किसी भी ग्रुप में ऐसा नहीं है। सॉलिड में क्या होता है आपका आयोडीन, लिक्विड में ब्रोमीन, गैस में क्लोरीन एंड फ्लोरीन, क्लियर है। एक और सॉलिड है एस्टाटीन, अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लीजिए, थैंक यू। नो डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, कुछ नहीं। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में देखा गया है कि डायगोनली कुछ रिलेशन होता है, दे रिसेंबल इन सर्टेन प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड डायगोनली प्लेस्ड। ठीक है, लिख देते हैं अच्छे से, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड resemble in certain properties with the elements of थर्ड पीरियड ठीक है डायगोनली प्लेस्ड सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। क्या है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट? हाँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, देखा गया ये क्या है, डायगोनली इसका प्रॉपर्टी सिमिलर है। कुछ क्या है वो सब अभी जानने की जरूरत नहीं है, हम लोगों का आता भी नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड रिसेंबल इन सर्टेन प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड डायगोनली। क्या है? डायगोनली। लिथियम इज ऑलरेडी हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टी विद सोडियम बट इट हैज आल्सो अ सिमिलर प्रॉपर्टी विद मैग्नीशियम। बेरिलियम इज आल्सो हैज अ सिमिलर प्रॉपर्टी विद मैग्नीशियम बट डायगोनली ये किसके साथ है? एल्यूमिनियम के साथ भी है। ठीक है, लिथियम Li हैज with sodium as well as magnesium and it acts as a bridge between two groups, है ना, मतलब ये इससे भी है, इससे भी है, ये इससे भी है, इससे भी है। ठीक है, इसीलिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट को ब्रिज एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये ब्रिज के तरह एक्ट करता है ये दो के बीच में। एंड थर्ड पीरियड को क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। याद रखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड इज ओनली सेकेंड पीरियड is known as bridge elements। Why? देख रहे हैं किस तरह है, नहीं भी वाई मालूम है तो कोई फर्क नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड इज known as टिपिकल एलिमेंट्स। क्लियर है? सेकेंड पीरियड को क्या बोलते हैं? ब्रिज एलिमेंट। थर्ड पीरियड को क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। थैंक यू। नो IUPAC सिस्टमैटिक IUPAC नेम फॉर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। For elements having एटमिक नंबर Z इन लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 100. ये लोग क्या सोचे, देखिए क्या हुआ। स्टार्टिंग में जब 1827-28 में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड होना शुरू हुआ, सिंथेसिस होना शुरू हुआ, तो लोग सोचे 100 होगा, 200 होगा, मगर वो 1000, लाख, मिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन कंपाउंड निकल गया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, नेमिंग का। इन लोगों को तुरंत नेमिंग का कुछ फंडामेंटल बनाना पड़ा जो काफ़ी टाइम लग गया, जो काफ़ी प्रॉब्लम, जब तक नेमिंग नहीं बना था प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। तो आईपीएसी क्या बोले कि हो सकता है इन फ्यूचर बहुत सा एलिमेंट फाइंड हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे। तो उन लोग उससे पहले ही प्रिकॉशनरी स्टेप क्या लिए कि उन लोग सब एलिमेंट का पहले ही से एक सिस्टमैटिक नेमिंग बना दिए। क्या कर दिया, एक सिस्टमैटिक नेमिंग फंडामेंटल बना दिए, ठीक है, एटमिक नंबर ग्रेटर देन 100 के लिए। इज इट ओके। वो लोग जीरो का क्या नाम रखे, ठीक है, वो लोग जीरो का नाम रखे नीलियम। आइए हम लोग देखते हैं जीरो का क्या नाम है, नीलियम। 1 का क्या नाम है, 1 का क्या नाम है, नो, 1 का क्या नाम है, यूनियम। 2 बीएम। 3 ट्रियम। 4 कॉर्डियम। 4 का क्या है, कॉर्डियम। 5 पेंटियम। 6 हेक्सियम। 7 नो, नॉट हेप्टियम, इट इज सेप्टियम, ठीक है, हेप्टियम नहीं, क्या है, सेप्टियम। 8 ऑक्टियम। 9 इनियम। अब देखिए सबका इनिशियल लेटर यूनिक है, क्या है, यूनिक है, क्योंकि इसको नेमिंग इसी वे से करने के लिए बनाया गया। जैसे 101 क्या सिंबल यूज करेंगे इसके लिए, सबका लेटर 1 क्या यूज होता है, यूनियम, पहला लेटर कैपिटल में, 0 के लिए n स्मॉल, 1 UNU, क्या नाम है 101 का, UNU सिंबल यूज होता है। 102 UNB। 103 UNT। 104 UNQ। 105 UNP। 106 UNH। 107 UNS। 108 UNO। 109 UNE। किसी भी रैंडम किसी भी ले लिए। 117 US, सो सिंपल। 121 UBU, है ना, UBU। 134 U TQ निकाल लीजिए, सो सिंपल। मतलब सिर्फ हम लोगों को नॉलेज नहीं है, नहीं तो बहुत सिंपल है, मतलब कुछ यहाँ पर करने का नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। नो मिसिंग एलिमेंट, ठीक है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मिसिंग एलिमेंट इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मिसिंग एलिमेंट्स एक्चुअली मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में था। मेंडेलीव क्या किया आपका, मेंडेलीव कुछ एलिमेंट को बोले पीरियोडिक टेबल में कि ये हम अभी फाइंड नहीं हो सका, इन फ्यूचर हो सकता है ये फाइंड होगा, उसको क्या नाम दिए, मिसिंग एलिमेंट दिए, ठीक है। मेंडेलीव क्या फॉलो करते थे, ओल्ड फंडामेंटल फॉलो करते थे। देखिए ग्रुप 3A, इतना डिटेल में नहीं जानना है, फिर भी हम आपको इसलिए डिटेल में बता रहे हैं कि आपको समझने में आसान हो। 3A एंड 3B, एक्चुअली को 3A को क्या बोला जाता है, अभी लेटेस्ट में 3A को क्या बोला जाता है, ग्रुप, हाँ 13 एंड 3B को क्या बोलते हैं? ग्रुप 3। चेक कर लीजिएगा आप, इसमें क्या देखा गया है? बोरोन एटमिक नंबर 5, एल्युमिनियम एटमिक नंबर 13। उसके बाद बोले यहाँ पर एक एलिमेंट है जो अभी तक फाइंड नहीं हुआ है, कौन बोले? मेंडेलीव, ठीक है। उसके बाद बोले यहाँ पर भी एक एलिमेंट है जो फाइंड नहीं हुआ है। इन लोग क्या नाम रखे इस एलिमेंट का? ठीक है, ग्रुप 3 ए के एल्युमिनियम के नीचे का जो एलिमेंट है उसका नाम क्या रखे? ईका एल्युमिनियम। क्या नाम रखे? ईका एल्युमिनियम। What do you mean by ईका? ईका is nothing, it is a Greek word. ईका means similar to, ईका mean similar to aluminium. और इसका नाम क्या रखे? ईका बोरोन। जो बाद में क्या पता चला कि ईका एल्युमिनियम क्या है, जो मॉस्ले जब पीरियोडिक टेबल बनाए, दिस इज गैलियम एटमिक नंबर 31 एंड दिस इज स्कैंडियम एटमिक नंबर 21. So ईका बोरोन is known as scandium and ईका aluminium in modern periodic table known as gallium. एक और missing element के बारे में बात करते हैं। ग्रुप 4A में देखा गया, 4A को क्या बोलते हैं मॉडर्न में? ग्रुप 14, ठीक है। क्या देखा गया? कार्बन, उसके नीचे सिलिकॉन, उसके बाद एक और एलिमेंट होना चाहिए जो मेंडेलीव फाइंड नहीं कर पाए। इसका नाम क्या दिए? ईका सिलिकॉन। जो बाद में क्या पता चला क्या है ये? जीई जर्मेनियम एटमिक नंबर 32 एटमिक नंबर 32। इज इट ओके? क्या नाम है इसका? एटमिक नंबर 32। तो ये सब आपको दिमाग में रखना होगा। ईका एल्युमिनियम गैलियम को बोलते हैं, या गैलियम का पुराना नाम क्या था? ईका एल्युमिनियम था, ठीक है। ईका बोरोन किसको बोलते हैं? स्कैंडियम को बोलते हैं, ठीक है। पुराना नाम क्या था? ईका बोरोन। ईका सिलिकॉन किसका नाम है? जर्मेनियम का, सॉरी ईका बोरोन स्कैंडियम का नाम है। किसका नाम है? स्कैंडियम का नाम है। इज इट ओके? ठीक है। सो क्या आता है एग्जाम में? किस तरह पूछेंगे ये तो हम लोग नॉलेज के लिए अच्छे से सीख लिए, ठीक है। पूछेंगे ईका एल्युमिनियम किसका नाम है? आप याद रखिएगा, आज से हम फिर से एक बार लिख देते हैं कि आपके ब्रेन में फिट हो जाए। बात नहीं, कॉपी नहीं। ईका एल्युमिनियम किसको बोलते हैं? गैलियम, ठीक है। एटमिक नंबर क्या है? 31, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ईका बोरोन, किसको बोलते हैं? स्कैंडियम, वी नो द एटमिक नंबर विच हैज प्लेस्ड हियर, ठीक है। ईका सिलिकॉन, बस ये तीन चीज़ याद रखना है। किस ग्रुप से बिलोंग करता है वो हम लोगों को मालूम है, अगर उसका कंपाउंड मालूम है तो, सॉरी एलिमेंट मालूम है, किससे है? जर्मेनियम। इज इट ओके? मिसिंग एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में क्या था अगर पूछता है वो? व्हाट आर द मिसिंग एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडेलीव? क्या था? गैलियम स्कैंडियम जर्मेनियम नहीं था, उसका नाम क्या था? ईका एल्युमिनियम ईका बोरोन ईका सिलिकॉन। क्योंकि मेंडेलीव का कहना था यहाँ पर कभी भी कोई एलिमेंट फाइंड होगा जो एल्युमिनियम से सिमिलर प्रॉपर्टी होगा। हाँ, सिमिलर ग्रुप में है। स्कैंडियम बोरोन मतलब एक ही सब ग्रुप में है, ठीक है। उतना डिटेल नहीं, बस क्या एलिमेंट है वो दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए पॉज करके। वी हैव ऑलरेडी डन द डिफेक्ट्स इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। देयर आर फ्यू डिफेक्ट्स इन लॉन्ग फॉर्म दैट इज नोन एज मॉस्ले पीरियोडिक टेबल, मगर ये डिफेक्ट को अभी तक ठीक नहीं किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आता है स्कूल में, डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, देख लेते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या क्या डिफेक्ट आप लोग खुद जानते हैं, क्या क्या डिफेक्ट है देखते हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन? ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन को देखिएगा तो हाइड्रोजन को किसके साथ प्लेस किया गया है? अल्केली मेटल के साथ, मगर हाइड्रोजन पूरा अल्केली मेटल के साथ रिसेंबल नहीं करता है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है? इट डज नॉट, ये सब डिफेक्ट है, ठीक है। अब प्लेस किया गया है उसको अभी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, रिसर्च करके कुछ चेंजेस हुआ इन फ्यूचर तो ठीक है, नहीं तो वी हैव टू स्टडी हियर। क्या डिफेक्ट्स है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल? लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या है? मॉडर्न। इससे पहले जो डिफेक्ट किए थे स्टार्टिंग में वो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का डिफेक्ट था, ये क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इट डज नॉट रिसेंबल fully with alkali metals, but has been placed along with them. ठीक है, सेकेंड इफेक्ट क्या है? लैंटिनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स को देखिएगा पीरियोडिक टेबल में अलग से रखा गया है, पीरियोडिक टेबल में अलग से उसको देखा गया है। देखिएगा आप, हम जो आपको पिक्चर थोड़ी देर पहले मोबाइल में शो किए थे, इफ यू हैव बुक ऑल्सो यू कैन चेक ओवर देयर, पोजीशन ऑफ लैंटिनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स इज नॉट प्रॉपर in the periodic table। ठीक है, और क्या है सबसे बड़ा डिफेक्ट जो है? ठीक है, हम आपको देखिएगा एक्सेप्शन में भी दिखाए थे, हीलियम इज डज नॉट ब्लॉक बिलोंग टू एस ब्लॉक, बट इसको कहाँ प्लेस किया गया है? पी ब्लॉक में। कहाँ प्लेस किया गया है? पी ब्लॉक में। ये इनर्ट गैस को एक जनरल कॉलम देने के लिए एस ब्लॉक को वहाँ किया गया, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है, मगर फिर भी ये एक डिफेक्ट है। अकॉर्डिंग टू electronic configuration, helium should be placed in S block, whereas it is placed in पी ब्लॉक। आ रहा समझ में? मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वे से क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वे से हीलियम कहाँ प्लेस होना चाहिए? एस ब्लॉक में। हीलियम क्या है? 1s2, मगर वो कहाँ प्लेस किया गया? पी ब्लॉक में। ये तीन डिफेक्ट हो सकता है, आगे कोई साइंटिस्ट आए तो इस डिफेक्ट को ठीक करें। इज इट ओके? नो। अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशनल एलिमेंट? ठीक है, बहुत बुक में देखिएगा ट्रांजिशन, और बहुत से बुक में क्या नाम है? ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। एक्चुअली मैंने ट्रांजिशनल एलिमेंट्स का एक एग्जांपल देख चुके हैं, एटमिक नंबर 21 to 30। अगर आपसे कोई भी पूछते हैं व्हाट डू मीन बाय ट्रांजिशनल एलिमेंट, आप सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, ट्रांजिशनल एलिमेंट मीन एलिमेंट शुड हैव वैकेंट इनर ऑर्बिटल। वैकेंट क्या है? इनर ऑर्बिटल, वैकेंट इनर ऑर्बिटल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, किसी भी एक का एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज, एटमिक नंबर 25, 1s2, किसी भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। देखिए ये क्या है? इनर ऑर्बिटल है, वैकेंट है। आप बोल रहे नहीं ये तो बाहर में है, अरे बाहर में तो क्या है, ये तो वैकेंट है, ये तो ओवर प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग को बाहर में लिखना पड़ रहा है, मगर क्या है? इनर ऑर्बिटल है। 4s के अंदर 3 है तो क्या है? इनर ऑर्बिटल है। इनर ऑर्बिटल क्या है? वेकेंट है। जितना भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें क्या होगा? वेरिएबल, वैलेंसीज। ठीक है, सबका देखिएगा एक से ज्यादा वैलेंसी होगा। देखिए आप अगर कोई नॉन जानते हैं, कॉपर, कॉपर का देखिए वैलेंसी 1 एंड वैलेंसी 2 है। Fe आयरन, एटमिक नंबर 26, 2 and 3 है। मैंगनीज ऑक्सीडेशन नंबर चैप्टर में देख सकते हैं, बहुत है KMnO4 के डिफरेंट में। क्रोमियम का सब वेरिएबल वैलेंसी। ट्रांजिशन एलिमेंट याद रखिएगा वेरिएबल वैलेंसीज होगा। और एक क्या ये शो करेगा? कलर सॉल्ट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट का सॉल्ट देखिए कलर होता है। कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉयल ब्लू होता है, FeSO4 ग्रीन होता है, क्रोमियम नहीं FeSO4 हाँ ग्रीन विट्रॉयल। ठीक है, मैंगनीज पिंक। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ज़्यादा कुछ नहीं, कोई पूछेगा व्हाट डू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट, आप ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। फोर्थ वन क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। ये अभी समझाना पॉसिबल नहीं है, बस को दिमाग में रखिएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, इज इट ओके? आ रहा समझ में? कॉपी कर लीजिए।